लेट्स स्टार्ट आवर क्लास क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको चैप्टर 4 एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम आपको चैप्टर 4 का बुक एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है डैश सप्लाईज पावर टू ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ए सीपीयू, बी यूपीएस, सी मॉनिटर। कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स में, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स में पावर सप्लाई कौन करता है? सीपीयू, यूपीएस और मॉनिटर। तो क्या सब पावर सप्लाई का वर्क कौन करता है? यूपीएस करता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यूपीएस। यूपीएस सप्लाईज पावर टू आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सेकंड, विच ऑफ दीज बटन्स इज यूज्ड टू टर्न ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के लिए किस बटन का यूज किया जाता है? ए बी और सी। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन राइट है, तो बी ऑप्शन पे क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। थर्ड है स्टार्ट बटन कैन बी सीन एट द डैश ऑफ स्क्रीन, ए टॉप, बी बॉटम, सी लेफ्ट। स्टार्ट बटन स्क्रीन के कहाँ पे दिखाई देता है? टॉप में, बॉटम में और लेफ्ट में। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, बॉटम। तो इसको यहाँ पे फिल भी कर देंगे। स्टार्ट बटन कैन बी सीन एट बॉटम ऑफ स्क्रीन। स्टार्ट बटन हमारा किस साइड में होता है? बॉटम साइड में होता है स्क्रीन के। सेकंड है टिक द करेक्ट वन एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट राइट है उसके वहाँ सामने हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके सामने हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो हमको पता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से ही वर्क करता है, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। सेकंड, यूपीएस कीप आवर कंप्यूटर ऑन इवन व्हेन इज नो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूपीएस कंप्यूटर को ऑन कर सकता है? नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपरली टर्न ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को प्रॉपरली ऑफ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर को अगर क्या करते हैं? प्रॉपरली टर्न ऑफ करते हैं। अगर हम लोग कंप्यूटर को प्रॉपरली टर्न ऑफ नहीं करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या हो सकता है? हैंग करने लगेगा या फिर ख़राब हो सकता है। इसलिए हमको कंप्यूटर को प्रॉपर रूप से क्या करना चाहिए? ऑफ करना चाहिए। थर्ड है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, उसकी हेल्प से हमको इसको क्या करना है? स्टेप्स को कंप्लीट करना है। स्टेप्स टू स्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है उसी स्टेप्स को लिखना है। स्विच ऑन द यूपीएस और सीपीयू। फर्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करते हैं? हमने आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? स्विच ऑन द यूपीएस, यूपीएस को ऑन करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका यूपीएस। सेकंड, स्विच ऑन द डैश यूपीएस और सीपीयू। तो सेकंड स्टेप में हम लोग किसको ऑन करते हैं? सीपीयू को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका?
CPU. थर्ड, स्विच ऑन द कीबोर्ड और मॉनिटर. किसको हम लोग ऑन करते हैं थर्ड स्टेप में? मॉनिटर को. तो यहाँ हो जाएगा आपका मॉनिटर. आफ्टर सम टाइम यू विल सी अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन विथ अ बटन एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन. कुछ समय बाद आपको क्या होता है, स्क्रीन पे पिक्चर्स दिखाई देता है. तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, स्टॉप या स्टार्ट, क्या दिखाई देता है आपको, स्टार्ट बटन दिखाई देता है बॉटम साइड में. तो यहाँ पे स्टार्ट पे टिक कर देंगे और यहाँ पे स्टार्ट फील भी कर देंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग टू अरेंज द स्टेप फॉर स्विचिंग ऑफ कंप्यूटर. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ उस स्टेप्स के वर्क दिए गए हैं. तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप, फोर एंड फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं और कंप्यूटर को कैसे ऑफ करते हैं. तो चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड में क्या करेंगे. ऐसे ही आप लोग देखेंगे और यहाँ फील करेंगे कि कौन सा फर्स्ट स्टेप है, कौन सा सेकेंड स्टेप है और कौन सा थर्ड स्टेप है कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए, और इसको मैच करेंगे. नेक्स्ट है लर्न विथ फन. राइट द करेक्ट स्टेप नंबर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स टू स्टार्ट द कंप्यूटर. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पे स्टेप नंबर दिया गया है. तो इसको आपको क्या करना है, पिक्चर को देखना है और स्टेप नंबर क्या करना है, फील करना है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकेंड स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप कौन सा है, फोर्थ स्टेप कौन सा है. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और लर्न विथ फन, ये दोनों आपका क्या है, आज का होमवर्क है. आप लोग इसको होमवर्क में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. ये आपका होमवर्क हो गया और अभी जितना बुक वर्क हम सॉल्व करवाए हैं उसको सॉल्व करेंगे और होमवर्क भी आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है. थैंक यू.